आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल में हूँ आपके साथ। नया सिर्फ अपडेट की बात करें, मध्य प्रदेश के इंदौर से होकर उदयपुर जाने वाली रणथंभौर एक्सप्रेस की दो को शुक्रवार देर रात रतलाम के पास बेपटरी हो गए। ये खौफनाक हादसा रतलाम के भक्तन की बावड़ी इलाके में उस वक्त हुआ जब यह ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 से पीछे की ओर आ रही थी। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई भी यात्री हताहत नहीं हुआ। आसपास के लोगों और यात्रियों की मदद से दुर्घटनाग्रस्त कोचों में से यात्रियों को उतारकर दूसरे कोच में बिठाया गया। यह ट्रेन इंदौर से चलकर रतलाम स्टेशन आई थी और यहां इसका इंजन बदला जा रहा था। जानकारी के मुताबिक तो इंजन बदले जाने के बीच यह गाड़ी पीछे की ओर चलने लगी और लूप लाइन के डेड एंड तोड़ते हुए आगे निकल गई। इस वजह से आखिरी हिस्से में लगा सामान्य कोच पटरी से उतर गया और SLR कोच ढलान पर लटक गया। यह ढलान खासी गहराई वाली है। गनीमत रही कि जनरल बोगी ढलान से नहीं उतरी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के आला अधिकारी और एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। चूंकि यह हादसा लूप लाइन पर हुआ, अगर यह गाड़ी रोल बैक होकर मेन लाइन पर आ जाती तो बड़ा हादसा हो जाता। बता दें कि हादसे के बाद ट्रेन के 2 कोच हटाकर रात 11 बजे उदयपुर की ओर रवाना किया गया। रेल मंडल के ADM अशफाक खान ने बताया कि इस हादसे के लिए उच्च अधिकारियों की 3 सदस्य टीम का गठन किया गया है, जिसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही जिम्मेदारों पर कार्रवाई तय की जाएगी। तो एक हफ्ते का अपडेट लगातार जानकारी के लिए बने रहे वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।